45 साल से ऊपर वालों के कोविड टीकाकरण में शासन स्तर से बड़ा बदलाव हुआ है। अब वॉक इन के माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण करके प्रथम डोज का टीका नहीं लगाया जाएगा। लाभार्थी को पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा तथा नियत तिथि, समय व टीकाकरण केंद्र पर ही उसका टीकाकरण होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य टीके की बर्बादी को कम से कम किया जाना है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया कि 45 साल से ऊपर वाले व सीनियर सिटीजन के लिए अभी तक यह व्यवस्था थी कि वह पूर्व में पंजीकरण कराकर या टीकाकरण केंद्र पर ही तत्काल पंजीकरण कराकर टीका लगा सकते थे। शासन ने 10 मई से इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। वॉक इन के माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था को प्रथम डोज के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सभी लोगों को पहले से पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा पंजीकरण के अनुसार नियत तिथि पर टीका लगवा सकेंगे। लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार चाहिए कि पूर्व में पंजीकरण करा ले तथा उसके बाद ही टीका लगवाने केंद्र पर आए। उन्होंने बताया कि कोविन पोर्टल पर या ऐप पर अपने मोबाइल से ही पंजीकरण किया जा सकता है। इस कार्य में आशा व ANM की मदद भी ली जा सकती है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि बिना पूर्व पंजीकरण कराए टीकाकरण केंद्र पर मत आएं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि टीकाकरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी, जिससे वायरस का संक्रमण होने की संभावना कम होगी। जिन लोगों ने कोविड का पहला डोज लगवा लिया है, उन्हें दूसरा डोज पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ही लगाया जाएगा। इस समय कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह केंद्र पर पहुंचकर अपना टीकाकरण कार्ड व ID दिखाकर दूसरी डोज लगवा सकते हैं। डॉक्टर पांडे ने प्रथम डोज लगवा चुके लोगों से अपील की है कि समय पूरा होने पर वे दूसरा टीका अवश्य लगवा लें, क्योंकि दूसरे डोज के बाद ही शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने बताया, अभी तक यह व्यवस्था थी कि लोग या तो अपने मोबाइल से स्लॉट बुक करके टीकाकरण करा लेते थे, ये ऑनलाइन होता था, या नहीं तो फिर वो बूथ पर सीधे आते थे और बूथ कर्मी वहां उनकी पहचान पत्र देखते हुए उनका स्लॉट बुक कर देता था और वहां से उनका टीकाकरण लग जाता था। 10 तारीख से ये नियम बदल रहा है। 10 तारीख से सारे लाभार्थी अपना ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे और उसके बाद बूथ पर आएंगे। ऐसे ही लोगों को हम टीका लगा पाएंगे जो कोई पहले से ऑनलाइन बुक करा के आए हैं। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब बंद हो रही है।